हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo V30 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फोन में ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का ना क्विक पैनल आपको ओपन करना है। ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो आपका ये क्विक पैनल ओपन हो जाता है। इसको आप ना लेफ्ट में स्लाइड करेंगे ऐसे, तो आपका ये सामने की तरफ रिकॉर्ड स्क्रीन का ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इस ऑप्शन को रिकॉर्ड स्क्रीन को ना आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, ऐसे दबा के रखेंगे तो आपका ये पेज आएगा रिकॉर्ड स्क्रीन का। इसमें आपको नीचे स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे टैप करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। देखिए जो ये जो है ना रिकॉर्ड साउंड लिखा हुआ है ना, रिकॉर्ड साउंड पे टैप करना है। इसमें देखिए, अगर आपका ये नोन के सामने अगर आपका टिक मार्क लगा हुआ है ना, नोन के सामने टिक मार्क लगा हुआ है और आप अपने फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल फोन से निकलने वाला साउंड और आप रिकॉर्डिंग के समय जब बीच में कुछ भी वर्ड बोलेंगे तो वो आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपका जो रिकॉर्डिंग है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो उसमें कुछ भी आवाज नहीं आती है। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, इसे सिस्टम ऑडियो एंड माइक्रोफोन साउंड पे टैप करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप जब अपने फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपके फोन से निकलने वाला साउंड और आप रिकॉर्डिंग के समय जब बीच में बोलेंगे तो वो आपका यहाँ पे रिकॉर्ड होता रहेगा। ठीक है ना, तो ये भी देखिए आपको जो है ना हाई क्वालिटी इमेज का भी आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको इसकी क्वालिटी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की कितनी रखनी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है ना, अब देखिए हम यहाँ पर जो है इसे ये जो ऑप्शन है स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, इस पर टैप करना है तो आपका यहाँ पर जो ना एक छोटा सा पेज आता है, देखिए इस तरीके का। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है, काउंटिंग यहाँ पे शुरू हो चुकी है और यहाँ पर जो ना आप कोई भी मूवमेंट करेंगे तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड होता रहेगा। और ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो छोटा सा पेज है ना, इस पर टैप करेंगे तो आपको दो लाइन दिखाई दे रही है, इसे दो लाइन पर टैप करेंगे ना तो आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो वहीं पर पॉज हो जाती है, यानी कि वहीं पर रुक जाती है। ठीक है, आपको थोड़ा अगर ब्रेक लेना है तो यहाँ पर आप जो है दो लाइन पर टैप करके आप जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, और वापस आप जो है ये जो ट्राइंगल शेप का प्ले बटन है इसे टैप करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग वहीं से कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इस पेज में आपको जो है ना रिकॉर्डिंग को बंद करना है, रिकॉर्डिंग खत्म करनी है, तो आपको ये जो इस बटन में ये जो बटन है रेड कलर का डॉट का, इसे टैप करना है तो आपका ये रिकॉर्डिंग ना खत्म हो जाएगी और आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो सेव हो जाएगी आपकी फोन की गैलरी में। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप अपने फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी साउंड के साथ। ठीक है।